गाइस मैंने पति को बहुत ही ज़्यादा अपनी अदाओं में फंसाने की कोशिश की पर पति नहीं गाल सुनता है। पति दोस्तों कैसे हालचाल हैं आपकी, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज का व्लॉग देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ एक ऐसी खास जगह पे जहाँ पे आपको कभी शायद ही कोई लेके गया हो। इसीलिए मैं इतना ब्यूटीफुल तैयार हो गई हूँ आज, क्योंकि हम जा रहे हैं प्यारी जगह पर। सो वो प्यारी जगह है कॉस्को, क्योंकि हमारे अंडे ख़त्म हो गए दोस्तों। अंडे हम कॉस्को से लेना पसंद करते हैं एंड मुझे प्रिस्क्रिप्शन भी लेना है। एक्चुअली गाइज लुक, मेरे पति इतने ख़राब हैं, मुझे एलर्जीज है बहुत बुरी एंड मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन ले लिया ऑन्टेरियो से आने से पहले मेरी फैमिली डॉक्टर से। उससे मैंने कहा कि हम जा रहे हैं, बाय बाय। उसने कहा कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी, मेरे डॉक्टर ने, क्योंकि तुम इतनी प्यारी हो, इतनी क्यूट हो, ऐसा कुछ नहीं वैसे उन्हें क्या, पर उसने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया। प्रिस्क्रिप्शन दे देती तो फिर मैंने ले ली, तो मेरे पति पता नहीं हमें आए कहते इस प्रिस्क्रिप्शन का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम अपनी प्रिस्क्रिप्शन वहाँ से नहीं ले सकती हो, तुम सिर्फ ऑन्टेरियो से ले सकती हो। तो मैं प्रिस्क्रिप्शन रख ली, फिर मैं बड़ी उदास हुई कि यार कैसे रहूँगी मैं बिना दवाई के, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा। वैसे भी जो हम जब प्रोविंस चेंज करते हैं तो हेल्थ कार्ड में 3 महीने लगते हैं आपको, पर वैसे आप ऑन्टेरियो वाला हेल्थ कार्ड यूज़ कर सकते हैं। पर मैंने सोचा कि या अपना डॉक्टर को ढूंढूंगी, ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने प्रिस्क्रिप्शन यूज़ नहीं किया। अब मुझे पति ने कहा है कि मैं अपनी ऑन्टेरियो वाली प्रिस्क्रिप्शन से दवाई ले सकती हूँ। सो जा रही हूँ दवाई लेने में। अद्दियाँ मैंने शिक्का आ रही थी ना सुबह, गुस्सा बढ़ा है मैंने पति से, उल्ट फुल्ट इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं और सारे मुझ पर यूज़ करते रहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं इस प्यारे रूम में क्या कर रही हूँ तो मैं आपको बताऊँ, आज बहुत समय के बाद मैंने ब्यूटी वीडियो शूट की है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने ये मेकअप की लुक भी शूट की है एंड ये मेरा स्किन फाउंडेशन रूटीन भी, जैसे स्कार्स को कैसे हाइड करना वो भी किया है, जो आपने ऑलरेडी मोस्ट प्रॉब्ली देख लिया होगा। सो अब समय बहुत हो रहा है दोस्तों, 3 बज गए, हम लोग जा रहे हैं कॉस्को को, आपको भी लेके चलते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आप वहाँ पर क्या क्या खरीद सकते हैं। ओ एक्चुअली मेरे चैनल पर एक वीडियो है कॉस्को मस्ट बाय फ्रॉम कॉस्को, वो देखना चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आप कॉस्को से ख़रीदेंगे तो आपको बेस्ट मिलेंगी, अच्छी क्वालिटी, अच्छा दाम, और क्या चाहिए। या चलो चलिए, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी आपको ये कॉस्को में लेके जाने के लिए, पर आज संडे है और हमें याद नहीं रहा कि संडे को 6 बजे बंद हो जाता है कॉस्को, तो बहुत जल्दी रन कर करके हमने 2-4 चीज़ें ली और बहुत ज़्यादा चीज़ें पोल ली गए हम लोग। ओके दोस्तों, ये बंदा है, ये काफ़ी कॉस्को का फैन है, जब भी इसको पता नहीं चला कहाँ पे घूमने जाए, ही से लेट्स गो कॉस्को। एंड गाइस आई कैन कंट्रोल दिस ट्रॉली, वांट टू सी, दिस इज द बेस्ट, नॉट दैट इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, एक्सक्यूज मी, आई एम गोना। सो कॉस्को से आने के बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, समझ में नहीं आ रहा क्या खाएं। कॉस्को से लेके आए हैं ये बहुत ही प्यारे से बंस, पाओ बहुत अच्छे लगते हैं कॉस्को की बेकरी के ये बंस, इसे यूजली हिम्मत खाता है उसे बहुत अच्छे लगते हैं एग के साथ, या फिर मैं पाव भाजी के लिए इस पाव को यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत फ्रेश होते हैं, पाव भाजी खाने का मज़ा आ जाता है। तो सुबह मैंने बनाए थे आलू के परांठे और आलू का मिक्सचर थोड़ा सा बचा हुआ है, मैंने सोचा कि इसको थोड़ा मैदा मिक्स करके टिक्कियाँ बना लेते हैं, 2-3 बन जाएंगी और फिर 2 पाव वो टिक्की वाले लाइक बर्गर किस्म का बना लेती हूँ, वो हस्बैंड भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। और उसके साथ मैंने बना ली ये रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइज एयर फ्रायर में, बहुत ही मस्त मील बन गया और इससे हमने हमारा पेट भर लिया, डिलिशियस। I made you a sandwich. Oh, thank you so much. What do you got inside? Aloo tikki. Delicious. Bye.
तो हस्बैंड की फरमाइश थी हलवा खाना। आई डोंट नो पति को हलवा कहाँ से याद आ जाता है सुबह रोड देखते कि मैं आज जो हलवा खाना है मेरी ज़िंदगी का टास्क है ये। मैंने आके दिया उनको, मैंने पूछते हैं कैसा है बहू कितना बनिया। ओके सो अब डिशेज क्लीन करने की बारी आती है और मेरा प्यारा स्टैन हिम्मत में हेल्प करता है हमेशा। So sick of watching paint dry, staring out the window, hands tied. So I'm a brand new summer head to the sky, giving me life in the dead in the night. Yeah. I know you come as you please, still I wait so patiently. Okay, dishwasher on time. कि कौन से बटन प्रेस करने और उसे ये भी पता है कि कौन से कैसे करना है। What is this for? This button for? Oh. कड़ाव सेव कर लेते हैं, हस्बैंड कल खा लेंगे। ऑलराइट दोस्तों, तो इसी तरह हमारा आज का दिन फिनिश होता है एंड किचन का जो भी रूटीन होता है वो पूरा हो चुका है। समय हुए हैं ऑलमोस्ट 8। चाय पीने के लिए मन कर रहा है मेरा, क्योंकि आज हमने चाय नहीं पी है दिन वाली, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी मेकअप वीडियोज़ शूट करने के लिए, जैसे आपने अर्लियर सुना होगा। सो अब मैं सोच रही हूँ कि चाय पीऊँ या ना पीऊँ। बहू अद्धा कप पियोगे मेरा कॉफ़ी का? हाफ हाफ, येस और नो? हस्बैंड सेड नो। सो देखते हैं क्या करना है, उसके बाद मैं थोड़ा चिल करने के लिए जाने वाली हूँ। वैसे मेरा प्लान था कि आज ही मैं वीडियो को एडिट करके अपलोड कर दूँ, पर अब मेरे पास एनर्जी नहीं है और वैसे भी हस्बैंड ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको कुछ समय चाहिए एंड कल करूँगी अपलोड मैं वीडियो। गाइज, मैंने पति को बहुत ही ज़्यादा अपनी अदाओं में फंसाने की कोशिश की, पर पति नहीं गाल सुनता है। पति बहुत व्यस्त है, पति इतना व्यस्त है कि वो उसने अपना फेवरेट कड़ा भी अभी तक नहीं खाया है। साला पिछले 2 घंटे में खाई जा रहा हूँ, प्रोटीन शेक पिया, ये पिया, वो पिया, वो। सो हस्बैंड से कड़ा मुक्त नहीं रहा है दोस्तों। मैंने हस्बैंड को कहा था कि आज नहीं बनाते, कल बनाएंगे, कल मैं आपको पूरी, चना, हलवा, आलू पूरी, पता नहीं। आज पति ने ना सवेरे उठते ही कहते, हाँ जी मेरी आँखा भी नहीं खुलिया, मुझे हिला के कह रहे आज मैं छोले पूरी आलू हलवा बहू तो ही सवेरे ही सोच ला पड़ने की खाना। हाँ ओके सो पति ने सुबह उठते ही कहा कि मैं हलवा खाना, पूरी खानी, आलू खाने, छोले खाने, सब कुछ खाना। तो फिर मैंने अब उनको कहा, कह रहे कि हुन मैं कुछ नहीं खाना, सर हलवा खाना। मैंने कहा कि हलवा आज स्किप करते हैं, आज मैं छोले भिगो देती हूँ, कल हम ये सारा मील बना लेंगे। कह रहे नहीं नहीं, मेरा सरदा ही नहीं, मैं नहीं जी ही नहीं सकता, मैं सार नहीं आता, मेरा गला घुट होता, मैं हलवे तो बिना नहीं रहा। बना दिया मैंने, हूँ कहने मैं खाई बड़ा कुछ लिया, मैंने सार खा के नहीं आता पाया।
पहले मेरे को सहन नहीं आ रहा था कि मैं जल्दी खाऊं, अब खा के इतना ज़्यादा यहाँ तक पर गया है कि उनको सहन नहीं आ रहा। सो ये तो कहानी है मेरे प्यारे पति की। पति की तो बातें चलती रहेंगी, पति तो है ही ऐसे। सो इनको इनके हाल पे छोड़ देते हैं, हम जाते हैं अपने काम करते हैं। चंगा पति, बाय। गाइज, आजकल मेरे हस्बैंड ना नेटफ्लिक्स के भी बदपिशिंदे बन रहे हैं, धीरे धीरे काफ़ी सारी चुंगलों में फंस रहे हैं ये वेब सीरीज़ के। इनकी फेवरेट आई है आजकल एक हाइस्ट, बहुत खुश हो रहे हैं ये वो देख के। सो यस, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बार में बताना अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है वीडियो को लेके, या कोई भी आपके पास क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कैलगरी से रिलेटेड, मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड, कुछ भी। बहुत ही ज़्यादा अच्छे आंसर देती हूँ मैं, तो आप बेझिझक कुछ भी पूछिए मुझसे, ओके। और मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर ले, मेरे हस्बैंड को भी फॉलो कर सकते हैं, सारे ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। मैं आपको मिलूँगी नए वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटिफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। यू गाइज़ कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। आई लव यू गाइज़ सो वेरी मच। बाय।